हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल सॉफ्टटेक में। आज हम देखने वाले हैं कि IC555 को एक डिजिटल मल्टीमीटर पर कैसे चेक करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैंने दो IC और एक मल्टीमीटर ले लिया है IC को चेक करने के लिए। IC को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर को बजर रेंज पर सेट करना होगा। IC को चेक करने के लिए हमें मल्टीमीटर के रेड वायर को IC के फर्स्ट पिन पर रखना होगा और IC के ब्लैक वायर को हमें IC के 2, 3 और 8 पिन पर रखकर रीडिंग लेनी होगी। तो चलिए हम IC को चेक करते हैं। इसमें आप देखेंगे इसमें कुछ नंबर शो करेगा। यहाँ हमें अलग अलग पिन पर कुछ नंबर शो कर रहे हैं, इसका मतलब ये IC सही है। यह हमारे पास जो सही IC थी उसे हमने चेक कर लिया है। अब चलिए इसे थोड़ा जो हमारी IC ख़राब हो चुकी है उसे चेक करते हैं। इस पर थोड़ा अलग अलग रीडिंग देगा, यानी इसका मतलब है कि IC ख़राब हो चुकी है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमने ख़राब IC चेक की उसमें अलग अलग पिन पर बहुत ही फॉल्स रीडिंग बता रही है, यानी इसका मतलब है कि IC ख़राब हो चुकी है।